हमारे वहाँ एक बार्बर है, तो उसके पास जब भी कोई हेयर कट कराने के लिए जाता है या फिर शेविंग कराने के लिए जाता है तो वो लेटा रहता है, ज़्यादातर आलसी टाइप का है। तो कोई पूछता है कि मुझे हेयर कट कराना है तो वो कहता है कि 1 घंटे बाद आना। तो कहता है कोई ग्राहक तो है ही नहीं, आप अभी फ्री हो, अभी कर दो। तो वो कहता है मूड नहीं है, बाद में आना। तो सेम हालात जो हैं वो SSC के हैं। SSC एक ऐसा कमीशन है, एक ऐसा बोर्ड है जो अपने मूड के अकॉर्डिंग काम करता है। बात करते हैं JHT 2023 की। 31 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन अब तक लगभग 50 दिन हो चुके हैं और कोई अता पता नहीं है कि ऑप्शन फॉर्म कब आएगा, फाइनल वैकेंसीज कब आएंगी, और फाइनल रिजल्ट तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। लास्ट ईयर की बात करें तो मेन एग्ज़ाम के लगभग 43 दिन बाद आपका ऑप्शन फॉर्म आ गया था, उसके 15 दिन बाद आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल गया था। और लास्ट ईयर CGL, CHSL, MTS और ये सारे JEE स्टेनो वगैरह इन सब की रिक्रूटमेंट चल रही थी, लेकिन इस बार CGL की कंप्लीट हो चुकी है 2023 की, स्टेनो की कंप्लीट हो चुकी है, JEE की कंप्लीट हो चुकी है। CHSL का जनवरी में सिलेक्शन यानी कि ये एग्ज़ाम आपका हुआ था और उसका ऑप्शन फॉर्म आ चुका है, 10-15 दिन बाद उसका भी फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब CHSL का ऑप्शन फॉर्म आया था उस टाइम पर मुझे थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि जब CHSL का ऑप्शन फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद ही JHT का निकालेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि दोनों एग्ज़ाम एक साथ थोड़ा बहुत कलेश उनका हो जाए ऑप्शन फॉर्म का। हालांकि कुछ लेना देना है नहीं और लाखों में कैंडिडेट्स जो है अप्लाई करते हैं, उस टाइम भी साइट बिजी नहीं होती है, लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब कल ही है इनकी लास्ट डेट, तो उसके बाद मंडे या ट्यूसडे को आप देख सकते हैं कि JHT का ऑप्शन फॉर्म आने की पूरी पूरी संभावना है, उम्मीद है। लेकिन बात तो वही है ना कि इसका SSC का जब मूड होगा तभी वो ऑप्शन फॉर्म आपका निकालेंगे। और बिना बात का खाम खा डिले कर रहे हैं, CHSL का कोई तुक ही नहीं बनता था कि भाई JHT से पहले CHSL का ऑप्शन फॉर्म दे, लेकिन इस बार JHT की रिक्रूटमेंट को इतना पीछे धकेला जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्या तो वजह है। लास्ट ईयर लगभग 3,000 कैंडिडेट्स थे, 2921 कुछ कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे, इस बार 2,000 कुछ कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, तो 1,000 कम तो वैसे ही है। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो 43 दिन के बाद इन्होंने ऑप्शन फॉर्म निकाला, तो इस बार बनता था कि 30 या 35 दिन के बाद ऑप्शन फॉर्म निकाल दें, लेकिन फिर भी जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है इसका कोई तुक बनता नहीं है, कोई रीज़न ऐसा है नहीं। हालांकि दूसरे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं होता है, हर एग्ज़ाम के अलग ही मेंबर्स होते हैं, और फिर भी अगर देखा जाए तो SSC के पास इतना काम है नहीं, तो उसी बार-बार वाली बात है, इनका मूड नहीं है, बस आलसी थोड़े बने हुए हैं। तो जब इनका मूड होगा तब आपका ऑप्शन फॉर्म आ जाएगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मंडे या ट्यूसडे या नहीं तो नेक्स्ट वीक तो पक्का आ जाना चाहिए। और अगर अगले हफ्ते भी नहीं आता है ना तो फिर मतलब क्या कह सकते हैं, कुछ तुक बनता ही नहीं है कि ऑप्शन फॉर्म ना निकालें। तो मंडे या ट्यूसडे को आपका ऑप्शन फॉर्म देखने को मिल सकता है। अगर ज़्यादा ही आपके कर्म किस्मत ने जोर लगाया तो आज भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन लगता नहीं है जो SSC के हालात चल रहे हैं। अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो भाई देखो, CHSL में लगभग 500-600 वैकेंसीज़ कम हो चुकी हैं, CGL में भी फाइनल वैकेंसीज आ गई थी, उसके बाद रिवाइज फाइनल वैकेंसी आई और उसमें भी 600-700 वैकेंसीज़ कम कर दी। JHT में जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स ने, बड़े बड़े डिपार्टमेंट का मतलब ज़्यादा वैकेंसीज भेजने वाले डिपार्टमेंट, जैसे CBIC हो गया, कैग हो गया, 24 ही वैकेंसी है, और आपका ARHQ हो गया, तो ऐसे जो डिपार्टमेंट है जिन्होंने 50-60-100 वैकेंसी भेजी है, तो उन्होंने तो अब तक यही इन्फॉर्मेशन दी है कि जितनी टेंटेटिव थी उतनी ही उन्होंने अब तक भेजी है, लेकिन फाइनल वैकेंसीज कुछ ही दिन में आपको देखने को मिल जाएंगी, तो तभी पता चलेगा कि कितनी वैकेंसीज आती हैं।